तो गाइज अभी मैं हूँ रामदेव जी की पतंजलि हरिद्वार बांद्राबाद में पड़ती है ये, और आप देख सकते हो ये एंट्रेंस गेट है और सामने आपके ये मेन बिल्डिंग है, मेन स्ट्रक्चर है। पतंजलि योगा पीठ हरिद्वार और यहाँ पे श्री महर्षि पतंजलि जी विराजमान किए गए हैं। ये देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं योग में, योगा टीचर बनना चाहते हैं, योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस, इज हेयर यू कैन टीच लर्न एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। यदि आप कुछ भी चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। आप यहाँ पे आके योगा सीख सकते हैं और फिर आप एज ए वॉलेंटियर भी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये हमारे भैया खड़े हुए हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये पतंजलि योगा पीठ हरिद्वार बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस, ये एक हमारे यहाँ एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्वामी रामदेव जी इसका नेतृत्व करते हैं, मतलब रामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी होती है वो इसको वो करती है, दाना पानी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। भाई वैसे रियल में तो स्वामी रामदेव जी मैंने भी नहीं देखे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्वामी रामदेव जी की एक प्रतिमा बनी हुई है और अभी हम हैं और अभी मैं हूँ पतंजलि योगापीठ हरिद्वार में अंदर, और आज हम आए हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, और जब हम जैसे आए थे वैसे ही बाहर जा रहे हैं अभी। और यहाँ की आप साफ़ सफाई, स्वच्छता बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और ये है यहाँ का अन्नपूर्णा, यानी कि यहाँ की मेस, आप जहाँ पे यहाँ पे डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ये रास्ता अंदर बिल्डिंग में चला जाता है, और आप यहाँ की ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ की साफ़ सफाई, स्वच्छता को कितने आराम से देख सकते हैं। आप कहीं विदेश में नहीं हो, आप हो स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योगा पीठ हरिद्वार वाले प्लेस पर। हमारा कैंटीन बैकग्राउंड में, और इधर हमारा सद्भावना भवन है और साइड में हमारा दिशा भवन है। यही बस मैं उससे ज़्यादा बता नहीं सकता। यहाँ पे आगे सामने शॉप भी लगी हुई है, शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, देखो सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे शॉप है, बैंक भी है, इंडियन डाक की पोस्ट का वो है सब कुछ। तो आप यहाँ पे आराम से आके जो है विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, योगा की क्लास ले सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, और भी बहुत सारा। आप यदि जो धार्मिक ज्योतिष का जो कोर्स होता है, डिग्रीज होती हैं, वो भी आप यहाँ पे आके सीख सकते हो। ये देखिए कितनी सुंदर एक संस्कृति। हरिद्वार के पास स्थित पतंजलि योगपीठ हरिद्वार फेज वन में यज्ञशाला ये है, इसको यज्ञशाला बोलते हैं। और यहाँ पर सनातन धर्म से संबंधित जो हमारे यहाँ यज्ञ की एक पूजा होती है, जो यज्ञ का हमारे एक अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित यहाँ पर रिसर्च की जाती है। मेरे साथ हैं स्वामी श्री, मैं इन्हीं से बात कराता हूँ। ये जी, तो मैं स्वामी जी प्रदेव पतंजलि योगपीठ फेज वन में अभी उपस्थित हैं, और हमारे भाई स्वराज दीक्षित जी, जिसके माध्यम से आपको, ऐसे तो हम करते आए हैं, हमारी प्राचीन परंपरा रही है योग के साथ साथ यज्ञ की भी, लेकिन यज्ञ को यदि हम आज के समय में जानते हैं तो केवल कर्मकांड के रूप में, एक पूजा पद्धति के रूप में जानते हैं, परंतु हमने पहली बार श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से रिसर्च किए कि हम जो हवन यज्ञ करते हैं उसमें क्या क्या ऐसे फाइटोकेमिकल्स निकलते हैं, क्या क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एरोमेटिक
हर्बल्स एयर निकलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए एक सेहतमंद है, तो उनको हमने एक सर्कल के रूप में दिखाने का प्रयास किया। जी आप देख रहे हैं यज्ञ का समग्र प्रभाव, इसको हमने स्वयं एक सर्कल के रूप में दिखाया। जी 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 कि हम हवन करते हैं तो उससे क्या मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, उसको भी हमने एक कण के रूप में दिखाया है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये फिर आप देख रहे हैं, एक हमने रेफरेंस दिए है कि अग्नि प्रास्ता होती है, कि ये जो धूम्र है वो सूर्य रश्मियों को प्राप्त होता है और सूर्य रश्मि फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर फिर एक इस प्रकार से बादल के रूप में, वेदर के रूप में तैयार होता है और फिर वही बारिश होकर नीचे आप देख रहे हैं जलाशय है, फिर ये खेती है, तो चारों तरफ हरे भरे, उससे फिर हमारा पोषण होता है। तो एक सृष्टि चक्र का नियम इसीलिए कहा हमने, यज्ञ वही भुवन आयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, कि यज्ञ संपूर्ण विश्व का नाभि है, केंद्र है। तो इसको हमने प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर चिकित्सा के प्रारंभ भी कर रहे हैं और अलग अलग रोगानुसार आपको मैं सामग्री के रूप में भी दिखाना चाहूँगा जो हमने दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़ चैनल पर और हमारे जितने भी आस्था से रिलेटेड चैनल होते हैं, रामदेव जो बाबा जी हैं उनके योग वाले प्रोग्राम देखे होंगे और आज मैं वहीं पर ही उपस्थित हूँ, हरिद्वार के योग भवन फेज़ टू, पतंजलि योग भवन फेज़ टू में मैं हूँ आज। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक योग भवन है जिसकी कैपेसिटी 10,000 है, यहाँ पर 10,000 लोग एक साथ बैठ कर योग सीख सकते हैं। और ये बाबा जी का मंच है, ये देखिए यहाँ पे पूरा सेटअप है, बाबा जी का मंच है यहाँ पे और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। और अभी मेरे सामने मैं आपको एक थेरेपी बताऊंगा जो यहाँ पे थेरेपी दी जा रही है पेशेंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़ों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए योग, इस तरह की थेरेपी आपने अक्सर मूवी में देखी होगी, पिक्चरों में देखी होगी, या सलमान खान की एक पिक्चर आई थी तेरे नाम में भी उसको एक ट्रीटमेंट दिया गया है। इस ट्रीटमेंट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा।
पीठ। मेरा नाम रोहित है, ठीक है, पतंजलि योग पीठ में काम करता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे 10 से 12 दिन हुए हैं काम करते करते। ओके। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक हूँ, मतलब हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूँ। किसी का ज्वाइंट निकल जाना, किसी का ज्वाइंट फ्रोजन हो जाना, ठीक है, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, या गोडो में किसी प्रकार की समस्या होना, ठीक है, या हड्डी टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, ज्वाइंट डिस्कोलेट हो जाना, ये हर चीज की हमारे पास इसका पुख्ता इलाज भी है और बंदा यहाँ से ठीक होके भी जाता है और हमने करे भी है। अब ये लाइव एग्जांपल है, ये हमारी माता जी हैं, ये आज इनका चौथा दिन है हमारे पास, ठीक है, इनका फ्रोजन शोल्डर था, इनको भी मेरे पास रेफर किया गया था। जब इनकी कंडीशन देखी थी तो इनका हाथ सिर्फ इतना था, इससे ज्यादा नहीं उठता था, और आज देखो चौथा दिन है, ये देखो पूरा कम्प्लीट है, नो पेन, नो एनी अदर एक्सक्यूज, ये देखो पूरा रोटेशन है। कोई नहीं कह सकता, जो डॉक्टर बोलते हैं ना कि फ्रोजन शोल्डर में काम नहीं करना चाहिए, पेन हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलन हो जाएगा, कुछ नहीं होता, एक भ्रम होता है जो डॉक्टर पेशेंट के मन में बैठा देते हैं, कि वो दवाई खाते रहे बस, और दवाई खाते रहे, चलते रहे, उनकी बीमारी बढ़ती है घटती नहीं है। यहाँ चार दिन में जो 6 साल का फ्रोजन शोल्डर, 4 दिन में ठीक हो गया, ये देखो बिल्कुल, ये देखो कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फिट है बंदा, ठीक है। संसार के अंदर, पतंजलि योगपीठ के अंदर ये चीज़ उपलब्ध है। बाबा रामदेव जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखा है, बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टरों को यहाँ पे रख रखा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, लोग दुनिया बाहर बाहर से आ रही है। आप भी आओ, बेनिश्चिन आओ, निडर रूप से आओ, आपको यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलेगा। जाम हो गया था, हाथ पूरा ऊपर नहीं हो रहा था, पूरा चीज ऊपर हो रहा है जी। 4 दिन आज हो गया मुझे यहाँ आए हुए, रोहित डॉक्टर रोहित जो है वही मेरा एक्सरसाइज जो किए हैं उनके वजह से आज मेरा हाथ ऊपर और पीछे नहीं मुड़ रहा था, पूरा पीछे ऐसे मुड़ रहा है, मुझे बहुत आराम मिला है यहाँ आकर के, पूरा मतलब बहुत आराम। ये 6 साल ऐसे ऐसे करके देखो, 6-7 साल से मेरा ये कंधा हाथ ऊपर मेरे around the nursery and count sheep.